कल अपन लोगों ने एसिड की डेफिनेशन कर ली थी, बैठ जाओ। ठीक है बेटा, पहली डेफिनेशन थी ओल्ड कंसेप्ट जो कहता है कि एसिड क्या है, सो टेस्ट भी होते हैं। दूसरा था अर्गेनियस कंसेप्ट जो कहता है कि एसिड वो सब्सट्रेट्स होते हैं जो क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं एक्वो सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है, तो लिख लीजिए बेटा सबसे पहले एसिड से निकलना एसिड्स। एसिड्स में लिखना सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट बेटा, ओल्ड कंसेप्ट था, मतलब ओल्ड कंसेप्ट से एसिड की डेफिनेशन क्या है। पॉज करो बेटा, कहता है एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। प्लीज राइट डाउन, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस है बेटा जो सोर टेस्ट के होते हैं, विच आर सोर इन टेस्ट। समझ आया बेटा, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, समझ आ गया। फिर लिखना अर्हीनियस कंसेप्ट, अर्हीनियस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बेटा। अर्हीनियस कंसेप्ट या फिर हम लोग इसके साथ एक्सप्लेन का न्यू कंसेप्ट आपकी कोडिंग बेटा, ए डबल आर एच ई एन आई यू एस बेटा, अर्हीनियस। अर्हीनियस कंसेप्ट ये क्या कहता है, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयंस, विच गिव्स हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में बेटा। एग्जांपल पहला HCl, एक्वस लिखेंगे ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव। H2SO4 है, ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे क्या आएगा, 2H पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव। मैंने आपको बताया था जो ये होगा इसके ऊपर वही चार्ज आ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव वाले साथ में। HNO3 एक्वस है क्या आएगा, CH3COOH है बेटा, इसके अंदर ऐसे लिखेंगे रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, दोनों तरफ प्रोसीड कर सकते हैं रिएक्शन, डबल एरो लगाएंगे बेटा इसका आपको इस टाइप से, आधा ऐसे ऊपर इस तरफ और आधा इस तरफ से लगाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो इन सब चीजों में क्या कॉमन है, ये सारे क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। तो एसिड्स क्या है, एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन से क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है बेटा। क्लियर है ना, हाइड्रोजन है ये वाटर से कंबाइन होकर क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द एसिड्स, इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन बेटा, दिस इज द कॉमन थिंग इन ऑल दीज एसिड्स बेटा। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि सारे के सारे क्या दे रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन बेटा, समझ आया। अब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ने हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एसिड्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एसिड में कि हमें कैसे मिलता है हमारा एसिड, मिनरल से मिल रहा है या नेचर से मिल रहा है बेटा, मतलब प्लांट और एनिमल से मिल रहा है। तो किस तरीके से हमारा एसिड हमें फाउंड होता है बेटा, उसके बेसिस पर हम एसिड को कितने टाइप से क्लासीफाई करते हैं, दो टाइप है, पहले समझेंगे बेटा। एक है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स बेटा। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे, जिस जो एसिड हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा नेचुरली बेटा, नेचुरल फॉर्म में बेटा, नेचर से हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा जो एसिड को हमारे क्या बोलेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे बेटा। ठीक है,
इसके अंदर एग्जांपल है सिट्रिक एसिड, इससे मिलता है बेटा लेमन, सिट्रस फ्रूट से लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। लैक्टिक एसिड किससे मिलता है, मिल्क है ना, मिल्क या कर्ड, मिल्क से कर्ड बनेगा, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है बेटा, समझ आ गया। और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मिलता है बी स्टिंग, मधुमक्खी काट जाए या एंट स्टिंग शीटी होती है वो काट जाए बेटा तरफ, तो वो एसिड छोड़ती है हमारी बॉडी में, इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। टमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। टैमरिन में होता है टार्ट्रिक एसिड। तो ये सारे क्या है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अलग अलग एसिड, टी चाय पत्ती में क्या होता है, टी लीव्स के अंदर टैनिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो अलग अलग एसिड अलग अलग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, और ये एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नेचुरली फॉर्म मिल रहे हैं बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। समझ आया बेटा, लिखने की नीड नहीं है बेटा, मैंने जोड़ूंगा अलग से सारा, सिर्फ समझने में ध्यान देना, एक बार में एक काम करोगे बेटा आपको, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स बोल देते हैं इसको हम लोग बेटा। ये हमें कहाँ से मिलेंगे, मिनरल्स से मिलेंगे बेटा हमें एसिड्स की वजह, समझ आया। दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स बेटा। एग्जाम्पल के लिए HCl है बेटा, ये हमें मिनरल से मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल से मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड मिनरल से मिल रहा है बेटा। समझ आया बेटा, जो एसिड्स हमें मिनरल से मिलेंगे वो क्या है, मिनरल एसिड्स, और जो एसिड्स हमें प्लांट्स और एनिमल से नेचुरली मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स बोल देंगे, ठीक है। जनरली जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स है तो ये एडिबल एसिड्स है, इसको हम लोग अपनी बॉडी में ले सकते हैं बेटा, खास पे इसको पीस के अंदर एसिड्स को ले कर्ड हम खाते हैं, ठीक है, लेमन ऑरेंज टमेटो सब चीज़ें खा तो नहीं, एप्पल, ये एडिबल एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं जो हम अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बेटा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दीज आर एडिबल एसिड्स जो हम लोग अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, समझ आया बेटा। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं जनरली ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा, जनरली क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो हम लोग इसको कंज्यूम नहीं करते अपनी बॉडी में, अंदर नहीं लेते बेटा। अब HCl हमारी बॉडी में अंदर प्रेजेंट है वैसे तो बेटा, याद है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड में, याद है स्टमक के अंदर HCl होता है, लेकिन हम लोग बाहर से इसको अपने आप नहीं लेंगे बेटा अपनी बॉडी में, ठीक है। दीज आर नॉट द एडिबल एसिड्स जब, लेकिन कुछ है जो वीक एसिड्स भी होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है बेटा, ये कौन सा एसिड है बेटा, मिनरल एसिड है वैसे तो कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये फिर भी हम लोग अपनी बॉडी में भी अंदर इंटेक करते हैं, कोड्रिक्स वगैरह में एसिड होते हैं बेटा, बिकॉज ये वीक एसिड है, मिनरल एसिड होने के बाद भी कैसे एसिड है बेटा, ये वीक एसिड है, लेकिन ज्यादातर मिनरल एसिड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है बेटा। मैंने पूछ लेते ना नेम द मिनरल एसिड दैट इज वीक, तो आंसर क्या आएगा, कार्बोनिक एसिड बेटा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आता है टाइप, एक और टाइप आती है एसिड की बेटा हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब क्या होता है बेसिसिटी, किसी को पता आपने से, बेसिसिटी का मतलब होता है एक एसिड का मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होएगा मतलब ब्रेक होएगा, आयंस देगा ना एच पॉजिटिव, और वो कितने एच पॉजिटिव आयंस देगा एक एसिड का मॉलिक्यूल ब्रेक होने पर, डिसोसिएट होने पर, उसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं बेटा। जैसे HCl का एक मॉलिक्यूल है, जब इसका एटमॉस्फेयर में डालेंगे कितने एच पॉजिटिव देगा, एक देगा, तो ये वन क्या होगी इसकी बेसिसिटी होगी बेटा। H2SO4 कितने देगा, दो देगा बेटा। HNO3 कितने देगा, वन देगा। H3PO4 तीन देगा। CH3COH एक, देखो यहां से मेरे को पता है इसका CH3CO नेगेटिव और एक H पॉजिटिव, तो एक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पर हमें कितने H पॉजिटिव आयन देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। एसिड का मॉलिक्यूल जो देगा उसको बोलेंगे बेसिसिटी, उल्टा वर्ड है देखो बेटा याद रखना, ठीक है। एक एसिड का मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होएगा आयंस में कितने हाइड्रोजन आयंस देगा, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। अगर वो एक देगा उसको बोलते हैं मोनोबेसिक, अगर दो देगा डाई बेसिक,
तीन देगा तो इस तरीके से आप दो तीन टाइम इसको क्लासिफाई फर्दर कर लोगे। ये क्या हो गया मोनो बेसिक, ये क्या हो गया डाई बेसिक, ये मोनो, ये ट्राई, ये मोनो। अब इसमें एच चार है ना, लेकिन देख कितना रहा उल्टा एक दे रहा है सिर्फ के अंदर ना, इसको क्या बोलेंगे मोनो बेसिक बोलेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोनो बेसिक एसिड, जो एक एसिड का मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होने पर एक हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको क्या बोलेंगे मोनो बेसिक, और एक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पर दो हाइड्रोजन आयन देगा तो डाई, तीन देगा तो ट्राई, टेट्रा बेसिक हो जाएगा उसे। लेकिन आपको अगर तीन से ऊपर नहीं कर देता ठीक है। These are weak acids, hence edible. These are weak acids, hence edible. इसके अंदर एक लिस्ट बनाएंगे हम एसिड्स के, अलग अलग सब्सटेंसेस में कौन कौन सा एसिड होता है। सबसे पहले हम सब ने सुना है विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है एसिडिक एसिड। टेबल बनानी है बेटा, अलग अलग एसिड्स के नेम और कार्बन में क्या क्या होता है। विनेगर दस पंद्रह आएंगे, एसिडिक एसिड होता है इसमें मतलब, अरे ऑरेंज, लेमन, इनमें सिट्रिक एसिड, टमाटो में बेटा ऑक्सैलिक एसिड, मिल्क कर्ड के अंदर बेटा लैक्टिक एसिड, एंट स्टिंग, बी स्टिंग, ये एक और प्लांट का नहीं है बेटा नेटल प्लांट। नेटल प्लांट होता है बिच्छू बुट्टी होती है, जैसे इस प्लांट की लीव्स को टच करते हैं बेटा ये हमारी बॉडी में एसिड छोड़ देता है और हमें खाली छोड़ने लग जाती है, जैसे वो ये टच करते हैं इस प्लांट की लीव्स को।
मेटल प्लांट बेटा, ठीक है। ये तीनों हमारे को कौन सा एसिड छोड़ते हैं बेटा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड छोड़ता है बेटा। एप्पल के अंदर बेटा कौन सा होता है? मैलिक एसिड। टी लीव्स के अंदर, चाय पत्ती में बेटा टैनिक एसिड, TAAIC बेटा टैनिक एसिड। एक बहुत है तरीके का मेरे भी नहीं है। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट है, उसके एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक है।
बेसिक डेफिनेशन लिखो, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ऑन द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। ठीक है, एक एसिड के एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन होने के बाद में कितने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका वो क्या है, बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी है। बेसिसिटी का मतलब क्या है, एक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पर कितने हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, वो क्या है उसकी बेसिसिटी है। समझ आया? इसके आगे सकता है एक, पहला है मोनोबेसिक, मोनोबेसिक कितने हाइड्रोजन आयंस आएंगे, डेफिनेशन तो अपने आप लिखा होगा ना पेपर में, आगे वैसे तो आएगी नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है का तो मोनोबेसिक का। ठीक है, मोनोबेसिक का मतलब है एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल लिखो मोनोबेसिक का, कौन सा बेटा, एचसीएल CH3CO। एचसीएल कैसे बेटा, ये क्या हो रहा है, एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव है, बस HNO3 भी हो रहा है बेटा, CH3CO एच को लिख सकेंगे बेटा। तो ये सारे क्या है बेटा हमारे पास, मोनोबेसिक एसिड है, बिकॉज एक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पर हमें कितना हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, एक ही दे रहा है बेटा। अगर एक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पर एक हाइड्रोजन आयन देगा तो वो क्या है बेटा, मोनोबेसिक। HCl है बेटा, HCl को जैसे हम पानी में डालेंगे बेटा तो H पॉजिटिव वाला और Cl नेगेटिव वाला, कितने H पॉजिटिव मिलेंगे, एक ही मिला, तो ये क्या है बेटा, मोनोबेसिक। HNO3 में भी सेम चीज है, ब्रेक हुआ एच पॉजिटिव और कितने देखे मिले बेटा, एक ही मिला, तो ये क्या है बेटा, मोनोबेसिक। समझ आया? आगे बेटा देखो डाइबेसिक बेटा, डाइबेसिक में कितने हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, एक एसिड का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा डिसोसिएट होने पर। डाइबेसिक में एग्जांपल लिखते हैं बेटा H2SO4, एक ही लिखो बस, वैसे H2CO3 भी है लेकिन एक ही लिखो, बहुत है आपको कोई वो नहीं। देखो बेटा H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन आयन दिए बेटा, दो, तो ये क्या है, डाइबेसिक। अगला लिखो बेटा ट्राइबेसिक में, तीन मॉलिक्यूल, तीन हाइड्रोजन आयन मिलेंगे H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड बेटा, तीन H पॉजिटिव और साथ में PO4 3 नेगेटिव, तो एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन मिलेंगे बेटा, तीन, तो ये क्या हो गया, ट्राइबेसिक। फॉस्फोरिक एसिड से नहीं बेटा, फॉस्फोरिक एसिड बेटा, ये तीन देखे बेटा। ठीक है, जब आप NCERT बुक पढ़ोगे ना आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी बेटा, बिकॉज बुक में नहीं है ये चीजें बेटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे लिखो बेटा नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये पढ़ना बेटा हमें, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं वो तो ठीक है होते हैं वो, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है बेटा, जो कंप्लीटली आयस बन जाएंगे उसके बेटा सारे को। लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन, पहले मैं समझा देता हूँ, लिख लेना बेटा, मतलब सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा जो ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देगा बेटा, है ना, और वो जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा सारे के सारे, जैसे H2SO4 होता है बेटा,
तो जल्दी से एच पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाता है और क्या बना देता है, मतलब जितना भी मैं कहूँगा ना एसिडिक सारे इसके अंदर फटाफट आयन बन जाएंगे बेटा इसके, ठीक है बेटा। तो जो जल्दी से आइस में डिसोसिएट हो जाएगा या आयनाइज हो जाएगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, H2SO4 क्या बोल दूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो ज्यादा डिसोसिएट होने पर ज्यादा क्या देगा, हाइड्रोजन आइस देगा बेटा। और जो वीक एसिड होगा वो क्या देगा, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, पार्शली आयोनाइज होगा। मतलब सारे के सारे उसके आइंस नहीं बनेंगे बेटा, बल्कि कम आयंस बनेंगे उसके, तो लेस अमाउंट में क्या देगा, हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेंगे। ये तो हमें क्लियर है कि एक एसिड का मॉलिक्यूल इसके दो प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो पूरा पूरा आयोनाइज होता ही नहीं है बेटा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जो पार्शली आयोनाइज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड बोलते हैं। डेफिनेशन लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड की पहले, तो नहीं वीक एसिड लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन द वॉटर, ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वॉटर। आयोनाइज किस तरह की है, IONISAD आयोनाइज मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना बेटा, ठीक है। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे इसमें बेटा वॉटर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एंड इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बेटा, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहला पढ़ा था हमने ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते थे, प्लांट और एनिमल्स से ऑब्टेन होते थे, नेक्स्ट नेचर से मिले थे। मिनरल एसिड्स मिनरल से ऑब्टेन हुए, बेसिसिटी एक एसिड का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो कितने हाइड्रोजन आयंस देता है, वो क्या होती है, अगर एक देगा तो मोनोबेंडिंग, दो देगा तो डायबेंडिंग, तीन देगा तो डायबेंडिंग। उसके बाद पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, या जो ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देते हैं वो क्या है, इसका एग्जाम्पल इसका HCl, HNO3, H2SO4 बात एक ही नहीं है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितना भी लेंगे ना मैं सारा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो चाहे दो ले रहा है लेकिन सारा वो आयंस में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना, वो वीक हो गया, ठीक है। मेन आयंस का डिफरेंस, हां कितना डिफरेंस हो रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में वो उसकी पीएच डिफरेंस कैसा कर रहा है, एच2 हां स्ट्रॉन्ग एसिड में आप HCl, H2SO4 और तीसरा HNO3 ये लिखेंगे बेटा, ठीक है बेटा। हेडिंग लिखो वीक एसिड्स, वीक एसिड्स बेटा ये क्या आएगा, दोज एसिड्स विच पार्शियली आयोनाइज्ड इन द वॉटर। दोज एसिड्स विच आर पार्शियली आयोनाइज इन द वॉटर, जो पार्शियली आयोनाइज हो जाएगा वॉटर में, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। एंड इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, चाहे एक दो दिन का था लेकिन सारा जब आयोनाइज ही होगा तो कम आने का हाइड्रोजन आयंस करेंगे। एंड इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्या बात है, बड़े अच्छे से देखता है इसे, इन दोनों एक दूसरे को देखो, वो अभी तक अच्छे से आप देख रहे हो, आप देख रहे हो इसमें क्या दोनों तो सीख रहा है, समझ आ गया बेटा। जो पार्शियली आयोनाइज होगा, जो कंप्लीटली आयंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो क्या है, वीक एसिड। इसके अंदर एक एग्जांपल पहला देखो बेटा, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड दूसरा लिखो होता फॉर्मिक एसिड, तीसरा लिखो होता इसमें कार्बोनिक एसिड H2CO3, दीज आर द वीक एसिड, ये वीक एसिड है बेटा, इसमें कार्बोनिक H2CO3, समझ आ गया बेटा, फॉर्मिक एसिड क्या फॉर्मिक एसिड HCOH
HCOOH CHCCOH आप क्या है ये अभी एक हफ्ता मिलेगा तो भाई ऑर्गेनिक एसिड्स प्लांट्स एनिमल से इनऑर्गेनिक मिनरल से बेसिसिटी एक एसिड का मॉलिक्यूल एक सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन देता है मोनोबेसिक एक देगा डाई बेसिक दो देगा ट्राई बेसिक तीन देगा स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा और ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा और वीक एसिड जो पार्शियली आयनाइज होगा और लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देगा समझ आ गया लोगों के साथ साथ बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे दैट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स हेडिंग डालो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स देखो कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलेंगे जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन तो क्या होती है ज्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है ठीक है तो देखो कंसंट्रेटेड एसिड कंसंट्रेटेड एसिड्स देखो इट इज द वन विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ एसिड देन द वॉटर जिसमें वॉटर इससे ज्यादा एसिड होगा बेटा जिसमें वॉटर की कंसंट्रेशन से ज्यादा किसकी कंसंट्रेशन होगी बेटा एसिड की कंसंट्रेशन होगी उसको क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे बेटा समझ आ गया बेटा अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है वॉटर की कम है उसको मैं क्या बोल दूंगा कंसंट्रेटेड बोलेंगे बेटा ठीक है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है जिसमें वॉटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एसिड होगा और जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ऐसा कुछ नहीं है एक प्रोसेस होता है बेटा जिसमें हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन बोलते हैं बेटा कैसे क्या बोलते हैं डाइल्यूशन कैसे करेंगे कन्वर्ट बताओ किसमें पानी मिलाएंगे एसिड में क्या मिला देंगे ये बिल्कुल गलत है कभी भी एसिड में अगर पानी मिला दिया ना तुम्हारे चेहरे के रंग बिगड़ सकते हैं बेटा ब्लास्ट हो सकता है आपके मुंह पे एसिड उछल के आएगा एकदम से और कुछ भी हो सकता है जल सकता है अपना फेस भी एसिड में कभी भी पानी नहीं मिलाया जाता हमेशा पानी में एसिड मिलाया जाता है समझ आ गई बात ठीक है कभी भी ये बात याद रखना ये नहीं सोचना चाकू खरबूजा बिगड़े या खरबूजा चाकू बिगड़े कटाई खरबूजा यहाँ वो निकाली नहीं है यहाँ पर क्या है एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाएगा वाटर में धीरे धीरे एसिड मिलाया जाएगा बेटा इसका रीजन है अभी हम पढ़ेंगे बेटा तो पहले देखो डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या होता है डाइल्यूशन कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इनटू द डाइल्यूट एसिड The conversion of concentrated acid into the dilute acid. The conversion of concentrated acid into the dilute acid by adding the acid slowly into the water. हम क्या करेंगे धीरे धीरे एसिड को मिलाएंगे वाटर के अंदर और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं डाइल्यूशन बोलते हैं एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाना वाटर में एसिड मिलाना है बेटा देखो क्या फर्क है दोनों चीजों में समझते हैं सबसे पहले मैंने क्या लिया हुआ एसिड लिया बेटा इसके अंदर ये एसिड अगर मैंने क्या मिलाया वाटर मिलाया इसके अंदर थोड़ा सा तो वाटर और एसिड का जो रिएक्शन है ना काफी ज्यादा हाई एक्सोथर्मिक होता है बेटा बहुत ज्यादा मोड पे क्या निकलती है हीट हीट निकलती है किस किस की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वाटर और एसिड की रिएक्शन ज्यादा हाई एक्सोथर्मिक होती है उसमें हीट निकलती है तो जो हीट निकलेगी ना एकदम से जैसे वाटर ऐड होगा एसिड के अंदर
वो क्या करेगी, इस वोटर को किसमें कन्वर्ट कर देगी, स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। देखो हीट क्या करती है, वोटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकती है, गैस में कन्वर्ट कर देगी लिक्विड को बेटा। तो वोटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। और एकदम से स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो एकदम से उछालेगा बेटा उस एसिड को बेटा। एंड दिस एसिड स्प्लैश आउट बेटा, बाहर एकदम स्प्लैश होएगा। और इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इट कैन ब्रेक द टम्बलर और द ग्लास, इट इज कैप्टन एसिड इज कैप्टन। एकदम से बाहर आएगा उछल के स्टीम की वजह से बेटा, जो स्टीम बनी है वो हाईली एनर्जेटिक होती है, वो एसिड को स्प्लैश करेगा या फिर ब्रेक कर देगा टम्बलर को, इट कैन हार्म आवर बॉडी बेटा, राइट बेटा। दूसरे केस में मैंने वाटर लिया हुआ है और धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक एक बूंद करके हिलाते हुए कॉन्स्टेंट स्टीम करते हुए इसको एसिड को मिला रहा हूँ। हीट तो अभी भी निकलेगी, अब एसिड क्या बहुत कम आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, और वाटर क्या है बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे एसिड आ रहा है थोड़ी थोड़ी हीट, तो हीट तो प्रोड्यूस होगी बट लेस अमाउंट में होगी, और वो इतनी होगी एंड इट इज अब्सॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। जो वाटर जो प्रेजेंट है गर्म जरूर हो जाएगा, वो जो पानी है ना अंदर देखो गर्म हो जाएगा इस केस में भी, लेकिन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी जो निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वो ऐसे स्प्लैश नहीं होगा बेटा, और इट इज नॉट डेंजरस फॉर प्रोसेस, जो है वो डेंजरस नहीं रहेगा। एसिड को वाटर में मिलाएंगे, एसिड की अमाउंट क्या है ज़्यादा है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होएगा, हीट निकलेगी, जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और इट कैन स्प्लैश द एसिड बेटा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर द अमाउंट ऑफ द एसिड इज वेरी लेस, तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन दिस केस ऑल्सो बेटा, बट द हीट इज रिएक्शन, द हीट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, सो इट इज सेफ टू एडिंग द एसिड स्लोली इनटू द वाटर रादर देन टू ऐड वाटर टू द एसिड। समझ आया अच्छे से बेटा, लिखिए इसका आंसर, लिखो वो भी बेटा एसिड तो हो जाता है ना, एसिड तो हीट दे रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा गिर गया तो भी एकदम से उछलेगा एसिड तो बेटा, ठीक है। चलो लिखो बेटा, व्हेन द वाटर इज एडेड टू द एसिड, व्हेन द वाटर इज एडेड टू द एसिड, when the water is added to the acid, the large amount of heat is evolved, the large amount of heat is evolved, large amount pe heat kya hoga beta, evolve hoga, this heat converts water into the steam, this heat converts water into the steam which can splash the acid, which can splash the acid. Samajh aaya, next line mein next table. On the other hand When acid is added to the water slowly, ठीक है बेटा, acid is added to the water slowly, the heat is evolved gradually matlab dheere dheere, the heat is evolved gradually, slowly slowly, the heat is evolved gradually which is absorbed by large amount of the water, which is absorbed by the large amount of the, samajh aa gaya beta, ye question kafi bari paper mein aata hai ki dilution ka process exothermic hota hai, तो हमें एसिड में वाटर मिलाना चाहिए या वाटर में एसिड मिलाना, समझ आया बेटा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट है ना बेटा, हीट तो निकली, थोड़ा थोड़ा एसिड मिला रहे हैं, वाटर बहुत ज्यादा है तो इतनी हीट है वो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, समझ आई ना, इस वजह से ऐसा नहीं होगा। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक,
अभी तक इस चैप्टर में क्या सीख चुके हैं, पहला दोबारा बता रहा हूँ, इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं बेटा, एसिड की डेफिनेशन हो गई दो, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स, बेसिसिटी और मोनोबेसिक डाइजेसिक ट्राइबेसिक और डाइल्यूशन कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड्स, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं बेटा। ठीक है, चैप्टर को मिस नहीं करो बेटा, साथ साथ कर दो चैप्टर, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिएक्शन आने वाले हैं चैप्टर में बेटा।